नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए विद्युत विभाग में परमानेंट जॉब निकल के दोस्तों आ चुकी है। यह आईटीआई कैंडिडेट के लिए दोस्तों सरकारी नौकरी है। यह नौकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तहत निकल के आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको फर्स्ट में ही इनका एडवर्टाइजमरी नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप इनका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन लिमिटेड के तहत यह भर्ती निकल के आई है। इसके अंदर दोस्तों आईटीआई की तीन ट्रेडों को मौका दिया गया है। पहली यांत्रिक दोस्तों फिटर को बोलते हैं, हिंदी में फिटर को यांत्रिक बोलते हैं। दूसरी विद्युत में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, और इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले बच्चे इसके अंदर दोस्तों अप्लाई करेंगे। इसमें दोस्तों आप सीट देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। जर्नल में 30 हैं फिटर की, और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर उसमें एक है, एससी में 14, एसटी में 7, ईडब्ल्यूएस में 5, एक्स सर्विसमैन के लिए 2, और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों टोटल सीट 56 है। यहाँ पे आप दोस्तों कैटेगरी वाइज सीटें देख सकते हैं किसमें कितनी है। इसमें दोस्तों आपको वेतन जो दिया जाएगा वो 28,000 रुपये, साथ ही इसके साथ जो भी अलाउंस जुड़ के आपका वेतन मिलेगा तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर दोस्तों आपको फिटर से आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही आपका 80 घंटे का CCC का कंप्यूटर का कोर्स दोस्तों होना अनिवार्य है मांगा गया है दोस्तों इसमें। ऐसे ही दोस्तों जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई, साथ ही 80 घंटे का CCC कंप्यूटर कोर्स, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हो, दोनों से आईटीआई चल जाएगी, और साथ ही 80 घंटे का CCC का दोस्तों कोर्स अनिवार्य है। यह कोर्स आप कैसे दोस्तों बनवाएंगे, इसका सर्टिफिकेट, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जो दोस्तों एज लिमिट मांगी गई है वो 18 साल से लेकर 40 साल इसकी एज लिमिट है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी बताया गया है कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन उनको 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का, ओबीसी को 3, एससी को जो सभी रिलैक्सेशन दिया हुआ दो दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। फ़ी की बात की जाए दोस्तों इसमें तो फ़ी थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो अनुसूचित जाति हैं, बैकवर्ड क्लास है, उनको 826 रुपये पे करने होंगे GST के साथ, और अन्य कैटेगरी जनरल वर्ग को 1180 रुपये GST के साथ दोस्तों पे करना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद फ़ी पे करना होगा दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके अंदर दोस्तों आपका CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यह दोस्तों आपका 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें दोस्तों कराया जाएगा। और क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर पार्ट 1 में आपसे 150 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 250 क्वेश्चन, कुल मिला के 200 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे। इसके अंदर दोस्तों हर क्वेश्चन के राइट आंसर का 1 और 0.5% की नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे तैयारी कर सकते हैं वो इस फॉर्म की तैयारी कीजिए दोस्तों। फॉर्म भरने की दोस्तों डेट 12/7 से दोस्तों इसके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी, और 5/8 तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है दोस्तों। 5 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बाकी मेन जो इसमें बातें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप इस नोटिस को डाउनलोड करके कंप्लीट पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और CCC का सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इन टच। जय हिंद, वंदे मातरम।